तो यार हाल फिलहाल में इतने सारे टॉपिक भैया ट्रेंडिंग में आ चुके हैं कि मैं भी कंफ्यूज हो गया कि किस पर वीडियो बनाऊं और किस पर ना बनाऊं। मतलब कुछ लोग मुझसे आईपीएल 2024 की खबरें मांग रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं भाई इस पर एनालिसिस कर दो, और फिर हाल फिलहाल में जिस चीज पर मुझसे सबसे ज्यादा ओपिनियन मांगा गया वो है भैया एल्विश भाई बनाम मैक्सटन भाई का मैटर। और लोग बोल रहे हैं कि भाई इस पर तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम कहां स्टैंड करते हो, हमें जरूर बताओ। और भैया मैं आपको पता है कि मैं इन सब पचड़ों में पढ़ता नहीं हूं, पर इस बार ना मैंने सोचा कि कुछ पॉइंट्स है जिस पर मैं जरूर यहां पर बात करूंगा, और उसका कारण बहुत ही सिंपल है यार, क्योंकि मुझे भी पता है कि बहुत सारी युवा ऑडियंस मुझे देखती है, तो मेरा भी एक कर्तव्य बनता है यार कि अगर आप मुझे देखते हो ना तो जो मेरे ओपिनियन है जो मेरे विचार हैं एटलीस्ट मैं वो आप लोगों तक रखूं, और इस चीज को लेकर मैं बहुत ही क्लियर हूं। अगर आप मुझसे अब ये सोच रहे हो कि मैं बताऊंगा कि यार मैक्सटन बनाम एल्विश मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूं, किसकी तरफ जाना है, तुम्हें लड़ाई झगड़ा करना है, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं, मैं बहुत ही क्लियरली बता दूं कि इसमें ना मेरा स्टैंड बहुत ही क्लियर है, और मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि इसमें कोई भी दूध का धुला नहीं है। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं भाई ये तो एकदम ही सही है ये गलत है, ये एकदम सही है ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, सबके अपने अपने कांड है और सब अपने अपने मतलब तरीके से अपने आप को डिफेंड करने का भी प्रयास कर रहे हैं, which is a certain अलग thing, क्योंकि भाई at the end of the day भैया इतने सारे कांड के बाद at least इतना अब तो आप समझ ही रहे होंगे कि कुछ लोगों को ना एक sudden fame इतनी ज़्यादा और वो भी इतनी fame मिल चुकी है ना कि उसको handle कर नहीं पा रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो भैया fame पाने के लिए कुछ भी करते चले जा रहे हैं, मतलब जहां पर उनका कोई लेना देना ही नहीं है वहां पर भी वो उड़ता तीर लेते जा रहे हैं। तो बस भैया यही सारी बातें हैं, अब इस पर मैं क्या ही बोलूं और क्या ही प्रतिक्रिया। एनीवे यार चलिए इन सब पचड़ों से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आईपीएल 2024 की खबरों को लेकर, और भैया स्टार्ट करते हैं विद द बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज जो निकलकर सामने आ रही है, वो है भैया कोलकाता नाइट राइडर्स कैंप से। भैया हाई अलर्ट में यहां पर इस टीम के पास एक नया खिलाड़ी आ चुका है, हम बात कर रहे थे कि सीएसके फिल सॉल्ट को साइन कर सकती है, कौन वेगा रिप्लेसमेंट, ये वो कौन आएगा कौन आएगा, अरे भैया कहीं नहीं जाएगा ये केकेआर कॉर्बल और वो जीतवो में आएंगे। जी हां भैया फिल सॉल्ट को साइन कर लिया है केकेआर टीम ने एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ जेसन रॉय, और यहां से दो बातें निकल कर आती हैं। पहली बात यह है कि जब वो वीडियो हमने की थी ना मार्कवुड बेन स्टोक्स, हमने बताया था बाहर जाएंगे, फिर मार्कवुड अभी रिसेंटली बाहर चले गए, उसके बाद मैंने बोला ना कि मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर यहां से और इंग्लैंड के खिलाड़ी बाहर जाते हैं आने वाले समय में तो ये मत कहना कि तुम्हें किसी ने बताया नहीं था, और जी हाँ दोस्तों एग्जैक्टली वही देखने को मिल रहा है, जेसन रॉय भी यहां पर बाहर जाते नजर आ रहे हैं। तो भैया इंग्लैंड ने अपनी परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन कायम रखा है, सबको पता रहता है कि इंग्लैंड के दो तीन खिलाड़ी ना सीजन शुरू होने से पहले खुद को पुल आउट कर ही लेंगे, और वही हमें देखने को मिल रहा है। पर्सनल रीजन का हवाला देते हुए जेसन रॉय ने टाटा गुड बाय कहा है, लेकिन केकेआर टीम जीजी इफेक्ट भैया देखने को मिल रहा है। व्हाट अ एक्सीलेंट रिप्लेसमेंट, व्हाट एन एक्सीलेंट रिप्लेसमेंट, आई मीन अगर आप देखेंगे ना इस चीज को ढूंढेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फिल सॉल्ट जैसा खिलाड़ी, एक ऐसा प्लेयर जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज है, याद है प्लेइंग 11 की वीडियो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि इनके पास रहमानुल्लाह गुरबाज है, जेसन रॉय है, अब विकेट कीपर बल्लेबाज कौन खेलेगा, इनको तो भैया दिक्कत हो जाएगा रे बाबा, क्योंकि आप तो गुरबाज पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इन्होंने कहा नहीं है अब डिपेंडेंट, भैया क्या मास्टर स्ट्रेटजी खेली है, और लेकर आ गए हैं जीजी साहब यहां पर जो है फिल सॉल्ट को, जिनकी हाल फिलहाल की फॉर्म जेसन रॉय से ज्यादा बेहतर है, जिनकी हाल फिलहाल की कंसिस्टेंसी बहुत बेहतरीन है, इंडियन कंडीशंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो जेसन रॉय की पहली बात तो रिप्लेसमेंट तो वैसे भी काफी अच्छे कैलिबर के हैं, और ऊपर से फॉर्म का तड़का जोड़ दो और विकेट कीपर बल्लेबाज का तड़का जोड़ दो तो ये एक एक्सीलेंट रिप्लेसमेंट बन जाते हैं। अब इनके पास ऑप्शन खुल गया कि गुरबाज को खिलाओ, सॉल्ट को खिलाओ, दोनों को खिला दो, या फिर किसी एक को खिला के वेंकटेश के साथ ओपन करा दो। व्हाट एन एक्सीलेंट स्ट्रेटजी, आपका विकेट कीपर का विकेट कीपर मिल गया और आपकी बल्लेबाजी भी एज इट इज मजबूत ही रह रही है। तो भैया जीजी साहब मानना पड़ेगा भैया गौतम गंभीर इफेक्ट को, क्योंकि यार टीम ने एक एक्सीलेंट रिप्लेसमेंट यहां पर साइन कर ली है। अपडेट जो हमने आपको कब बताया था, नवंबर 2023 में जो बताई थी अपडेट, भैया थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लगा दिया जाए, वो अब फाइनल कर दिया है आईपीएल के चेयरमैन साहब ने, अरुण धूमल जी ने यहां पर कंफर्म किया कि आईपीएल 2025 में आपको मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा। भैया मेगा ब्लास्ट होने वाला है, मतलब इस साल का आईपीएल तो खास है, इसके बाद तो और भी ज्यादा खासम खास होगा, क्योंकि भैया कितने 4 या 5 खिलाड़ी जैसा भी रूल होगा इतने तो आप रिटेन कर पाओगे, और उसके बाद कितने जाएंगे कितने आएंगे। और देखिए ये अनाउंसमेंट एक और चीज को यहां पर कंफर्म कर देती है कि आईपीएल 2024 बहुत से ऐसे लेजेंड्स हैं, बहुत से ऐसे बड़े नाम हैं जिनका कहीं ना कहीं एक आखिरी आईपीएल हो सकता है, अगर आखिरी नहीं होगा तो अपनी अपनी टीमों के लिए यहां पर आखिरी हो सकता है, क्योंकि इसके बाद कौन किधर जाएगा किधर आएगा हमें नहीं पता, बहुत कुछ ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न है जो इसके बाद हमें देखने को मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर बातें इतनी ही है कि बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स आगे समय में आने वाले हैं। लेकिन चलिए बात कर लेते हैं यहां पर अपडेट नंबर 2 को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है, सेकंड फेज ऑफ आईपीएल कार्यक्रम को लेकर। जी हां दोस्तों आईपीएल 2024 का जो सेकंड फेज ऑफ कार्यक्रम है इसको लेकर फिर से अरुण धूमल साहब ने यही बोला कि देखिए इलेक्शंस का इंतजार कर रहे हैं इसीलिए नहीं आ रहा, जिस दिन इलेक्शन की डेट आ गई हम भी यहां पर चीजें फिर उस हिसाब से फाइनलाइज करेंगे और आपको बहुत जल्द कार्यक्रम देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि ये सारी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल रही है, अभी देखिए आईपीएल 2025 को लेकर कितने लोगों ने हमें बोला कि मेगा ऑक्शन नहीं होगा तुझे कैसे पता, पर हम तब से बता रहे थे नवंबर से, कितने वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था, अब ये सारी अपडेट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। लेकिन आप तो ज्वाइन करोगे नहीं क्योंकि आपको आईपीएल का मजा ही नहीं चाहिए इस 2024 में, इतने मजे हम टेलीग्राम पर करेंगे लेकिन आपको तो करना नहीं है, जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको मजे आने वाले हैं। तो आपके लिए अभी भी मौका है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स, अभी जाकर हमारी टेलीग्राम फैमिली का
हिस्सा बन जाइए, क्योंकि भैया अपडेट नंबर 3 ये कह रही है कि सेकंड फेज ऑफ आईपीएल में आपको डबल हेडर्स की संख्या यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी। जी हां दोस्तों, अरुण धूमल साहब ने भी यही कहा कि देखिए हमें ना सारी चीजें मैनेज करके चलना पड़ेगा, हम बाहर तो जाना नहीं चाहते इंडिया से, अब हमें देखना पड़ेगा कि कहां पर कितने इलेक्शन के टाइम पे कहां पर क्या चीजें होंगी, उस हिसाब से हम वेन्यू के इधर उधर करेंगे। हम चाहते तो हैं कि होम एंड अवे एज इट इज रहे, पर कितना हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा ये सब कुछ इलेक्शन का माया जाल ही बताएगा। तो अभी के लिए भैया वेट एंड वॉच पॉलिसी चल रही है, लेकिन वेट और वॉच आपको करना पड़ेगा अगर आप आरसीबी के फैन है, मतलब वेट करिए भैया, बड़ी सारी एक्साइटमेंट आपके दरमियान आ रही है, क्योंकि 19th ऑफ मार्च को आपको पता है कि आरसीबी का अनबॉक्स इवेंट होने वाला है। अब इस इवेंट में आरसीबी अपनी जर्सी लॉन्च करेगी, आरसीबी क्या विराट कोहली को लॉन्च करेगी, क्योंकि विराट कोहली भी आ सकते हैं हमें नहीं पता, और इसीलिए सबको बस इसी बात का इंतजार है कि बहुत सारी जब एक्साइटिंग अनाउंसमेंट होगी क्या उसमें विराट कोहली भी देखने को मिलेंगे, क्या विराट कोहली आ चुके हैं भारत। देखिए दोस्तों हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, एज ऑफ नाउ वो भारत नहीं आए हैं, और इसीलिए नेक्स्ट अपडेट में मैं यही कहना चाहता हूं कि बहुत लोग मेरे से लगातार पूछ रहे हैं कि भाई किंग कोहली कहां है, किंग क्या आरसीबी टीम को ज्वाइन करेंगे, कब करेंगे, क्या वो आईपीएल खेलेंगे, शुरुआत में मिस करेंगे, बहुत सी अटकलें हैं, और जवाब में अभी सिर्फ और सिर्फ सस्पेंस ही बरकरार है। मैं कुछ खास ज्यादा यहां पर नहीं कहना चाहता जब तक मेरे पास कोई कंफर्मेशन ना हो दोस्तों। तो विराट कोहली की अवेलेबिलिटी को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि क्या वो आईपीएल 2024 का हिस्सा बनेंगे या फिर आरसीबी के फैंस इस साल विराट कोहली को नहीं देख पाएंगे। अभी बहुत ज्यादा सस्पेंस है, पर उम्मीद यही है कि वो आईपीएल 2024 खेलेंगे, हम बस ये इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आएंगे, क्या आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, आखिर किस दिन वो भारत आएंगे और आरसीबी के खेमे को ज्वाइन करेंगे। इन सभी चीजों के लिए अभी हम इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही अपडेट आएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को पहुंचा दी जाएगी। और हिटमैन शर्मा को लेकर काफी लोगों ने यहां पर उनको पिछले मतलब वो टेस्ट मैच के लास्ट दिन पर नहीं देखा ना, तो लोगों ने बोला कि भाई यार कोई सीरियस इंजरी तो नहीं है, क्या हो गया हमारे हिटमैन को। देखिए मैं आपको कंफर्म कर दूं कि उनको कोई सीरियस इंजरी इश्यूज नहीं है, वो बिल्कुल फिट और फाइन है, और ऐसा पूरा अटकलें हैं, ऐसी पूरी उम्मीदें हैं कि आईपीएल 2024 के लिए पहले मैच से मुंबई के लिए वो अवेलेबल होते नजर आएंगे, तो आपको ज्यादा हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस बार कप्तान नहीं है, तो वो एक अलग सागा चलेगा कि कप्तान ही नहीं है तो उसमें वो रेस्ट ले लें, क्या ले लें, क्या उनको बिठा दिया जाए, उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, पर फिटनेस के कंसर्न से हम ये कह सकते हैं कि चीजें यहां पर काफी बेहतर नजर आ रही है। तो हिटमैन के फैंस को यहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, और परेशान अगर आपको होना नहीं है तो दो काम आपको करने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है क्रिकेट अपडेट्स के लिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, फिर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ेगा। सारी अपडेट्स, एनालिसिस, रिव्यू, प्रीव्यू, इस आईपीएल में ब्लॉकबस्टर चीजें आप लोगों के लिए हम लगातार लेकर आते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यहां पर और भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, इनको भी जाकर चेकआउट कर लीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।